हेलो गाइस, G5 पर एक मूवी का प्रीमियर हुआ है जिसका नाम है परीक्षा। यार ये मूवी 2019 में आई थी लेकिन इसको प्रीमियर किया गया है G5 पर। तो गाइस का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा ये मूवी कैसी है, क्या मूवी आपको देखनी चाहिए। तो अपने एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करें, मेरी इस वीडियो को यार प्लीज अंदर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं हूं विनीत। नेपोटिज्म 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 यार सुन सुन के अत मचा दिए शब्द ने। गाइस एक बात बोल दूं, नेपोटिज्म कुछ भी हो लेकिन अगर मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना तो कोई भी स्टार बना रहे मूवी चलती है। गाइस परीक्षा मूवी आई थी 2019 में, ना मैंने देखी ना आप लोगों ने देखी होगी, आपको पता भी नहीं होगा मूवी कब आई कब चली गई। लेकिन गाइस इसको G5 पे प्रीमियर किया गया है आज और मैंने इस मूवी को देखा। देखने के बाद एक ही बात बोलूंगा, सच में दोस्तों सारे काम छोड़ो, इस मूवी को एक बार देख लेना, समझ जाओगे आप। अब गाइस कहानी की बात करूँ, कहानी बहुत सिंपल है दोस्तों। एक रिक्शा वाला है, वो अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता है और गाइस उसके पास व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की। और उसका जो बेटा है वो काफ़ी ब्रिलियंट है और पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये फंसी आती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने स्कूल में वो अरेंज कर सके। लेकिन गाइस फिर भी वो अपने जैसे तैसे अपने स्कूल में बच्चे को डाल देता है और उसके बाद उसको क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता अपनी लाइफ के साथ, क्या कुछ नहीं सेक्रीफाइस करने पड़ते, वो सब आपको इसमें मूवी में देखने को मिलेंगे। अब गाइस की मैं खास बातों की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो देख के आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, आप नेपोटिज्म भूल ही जाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रकाश झा साहब ने इस मूवी को बनाया। अब प्रकाश झा जैसा साहब जब अगर ऐसी मूवी बना रहा है तो समझ लो उस मूवी का लेवल क्या होगा, क्योंकि दोस्तों उनकी मूवी में जो डेप्थ होती है वो हम सभी जानते हैं यार। चाहे आप राजनीति ले लो, चाहे आप आरक्षण ले लो, मतलब उनकी आप किसी भी मूवी को उठा लो, उनकी मूवी में जो डेप्थ होती है ना वो एक अलग ही लेवल होता है। और सबसे बड़ी बात यार ऐसे शहरों को, अब जैसे रांची उन्होंने जिस तरह दिखाया है, झारखंड में जिस तरह स्लम्स दिखाया है, अमीरी गरीबी का जिन्होंने डिफरेंट दिखाया है, वो आपको इस मूवी में साफ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है इसके जो कैरेक्टर है, खासकर कि आदिल हुसैन साहब जिन्होंने एक रिक्शे वाले का और एक बाप का रोल जिस तरीके से निभाया है ना, आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस मूवी में एक ऐसे मोमेंट है दोस्तों, एक सीन है बाप बेटे जब बात करते हैं, जब उनका एक सीन जब आता है ना, उस सीन में आपको 101% आपको रोना आ जाएगा गाइस। और गाइस एक सीन ऐसा आता है कि बाप उसके लिए एक चिट अरेंज करता है, मतलब चीटिंग अरेंज करता है और बेटा उससे मना करता है, वो मोमेंट में आपको मतलब आपको गर्व होगा इस मूवी के ऊपर। अब गाइस मैं और बात करूं तो अगर इसके आप रोल बाय रोल या सीन बाय सीन इस मूवी को आप देखते जाओगे ना, 1 घंटे 42 मिनट में आपको लिख के दे रहा हूं, आपको पता भी चलेगा आपके कब निकल गए। सच बता रहा हूं दोस्तों, परीक्षा एक ऐसी मूवी है जो यार सबको देखनी चाहिए और मैं इस मूवी के लिए आपको सबको रिकमेंड करता हूं। और मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहता हूं गाइस। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे गाइस। तो प्लीज दोस्तों आपके पास अगर थोड़ा सा भी टाइम है, 1 घंटा 42 मिनट निकालिए दोस्तों और इस मूवी को जरूर देख लीजिए। ये आपको G5 पर देखने को मिल जाएगी गाइस। ये था मेरा रिव्यू परीक्षा मूवी को लेकर। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।